अमेरिका ने दावा किया है कि चीन यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध में रूस को हथियार उपलब्ध कराने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रविवार को कहा कि बीजिंग मॉस्को की सहायता के लिए आगे आ सकता है, लेकिन चेतावनी दी कि कोई भी आपूर्ति गंभीर समस्या का कारण बनेगी। ब्लिंकन ने CBS के फेस द नेशन को बताया, अब हमारे पास जो चिंता है वह हमारे पास मौजूद जानकारी पर आधारित है कि वे घातक समर्थन प्रदान करने पर विचार कर रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि घातक समर्थन क्या होगा, उन्होंने कहा, गोला बारूद से लेकर हथियारों तक सब कुछ। ब्लिंकन ने जर्मनी से अमेरिकी टेलीविजन के साथ साक्षात्कार की एक श्रृंखला में इसी तरह की टिप्पणी की, जहां शनिवार को उन्होंने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया और अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। विदेश विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने वांग से तब कहा था कि यदि चीन रूस को सामग्री सहायता प्रदान करता है या प्रणालीगत प्रतिबंधों से बचने में सहायता करता है, इसके परिणाम होंगे। कुल मिलाकर अमेरिकी टिप्पणियां अब तक की सबसे स्पष्ट चेतावनी के रूप में दिखाई दी कि चीन रूस के लिए बयानबाजी राजनीतिक या कूटनीतिक समर्थन से परे जाने और यूक्रेन के खिलाफ अपनी लगभग एक साल पुरानी लड़ाई में मदद करने के लिए तैयार हो सकता है। ABC पर रविवार को उपस्थित होकर ब्लिंकन ने जोर देकर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग को पिछले मार्च में ही रूस को हथियार भेजने के खिलाफ चेतावनी दी थी, उस समय से चीन उस रेखा को पार नहीं करने के लिए सावधान रहा है, जिसमें युद्ध के मैदान में उपयोग के लिए घातक हथियार प्रणालियों को बेचने पर रोक लगाना शामिल है। इस मुद्दे से परिचित एक प्रशासन स्रोत के अनुसार म्यूनिख सम्मेलन में भाग लेने वाले एक शीर्ष रिपब्लिकन सेनेटर लिंसे ग्राहम ने कहा कि रूस को हथियार प्रदान करना चीन के लिए एक गंभीर गलती होगी, विशेष रूप से ऐसे समय में जब उसने कहा कि वह कभी भी अधिक आश्वस्त नहीं था कि यूक्रेन प्रबल होगा। उन्होंने कहा कि अब ऐसा करना टाइटैनिक पर टिकट खरीदने जैसा होगा क्योंकि वह डूब रहा था। विदेश नीति के जानकार ग्राहम के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास इस बात के पुख्ता संकेत हैं कि अमेरिका जल्द ही यूक्रेनी लड़ाकू पायलटों को प्रशिक्षित करने की योजना की घोषणा करेगा।